और सेकंड चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स ओके सो ये जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें का हमारा जो सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स उसका ये सेकंड लेक्चर है इन लास्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट हाउ द सॉलिड लिक्विड गैसेस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंशन आर द फेजिस ऑफ मैटर ये जो फेजेस है मैटर के उनमें का हमने डिफरेंस जो है वो लास्ट के लेक्चर में देखा है उसके साथ ही हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडाइनमिक्स के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया था तो इन दिस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द कंसेप्ट विच आर रिलेटेड टू द सरफेस टेंशन ये जो लिक्विड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फेनोमेना है उसका नाम है सरफेस टेंशन उसके रिलेटेड सरफेस टेंशन उसके रिलेटेड जो फेनोमेना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ये जो बोर्ड का न्यू सिलेबस है फॉर 2020-2021 से ये चालू हो रहा है उसके पहले का जो सिलेबस था उसमें सरफेस टेंशन का एक सेपरेट चैप्टर होता था ओके जो लास्ट सिलेबस था उसमें सरफेस टेंशन का एक सेपरेट चैप्टर था अभी ओ चैप्टर का पूरा का पूरा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड्स में आया है एज अ कंसेप्ट सरफेस टेंशन सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओके तो इसलिए आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सरफेस टेंशन के बारे में है तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड हाउ दिस फेनोमेना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी लिक्विड ड्रॉप होते हैं जब वो रेन ड्रॉप्स मीन्स रेन से जब हम लिक्विड ड्रॉप को जब ऑब्जर्व करते हैं तब वो जो जो वो जो ड्रॉप है वो कैसे रहते हैं स्फेरिकल रहते हैं इस तरह से आपको वो ड्रॉप दिखते हैं इस तरह से वो ड्रॉप दिखते हैं वो जो ड्रॉप है वो कैसे है स्पेरिकल है उनका जो शेप है वो दूसरा रेक्टेंगल ऐसा अलग अलग तरह का क्यों नहीं होता है हमेशा वो लिक्विड ड्रॉप जो है स्पेरिकल ही क्यों रहते हैं उसका जो रीज़न है वो क्या है सरफेस टेंशन जो आ, कभी कभी हम देखते हैं कि जो वाटर का जो सरफेस है उस पर कुछ जो कीटक है वो वहाँ रहते हैं चलते हैं वो क्यों रहते हैं क्योंकि वो भी डेंस और डेंसिटी की वजह से नीचे नहीं जा सकते हमारी डेंसिटी क्या है ज्यादा है वाटर से हम जब खड़े रहने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा हम डूब जाएंगे लेकिन जो बारीक जो कीटक है वो वहाँ तैरते हैं क्यों तैरते हैं क्योंकि उसका भी रीजन क्या है सरफेस टेंशन है जब भी एक आधा ब्लोटिंग पेपर है वो इंक को एब्जॉर्ब करता है उसका भी रीजन क्या है सरफेस टेंशन सो ऐसे बहुत सारे जो फेनोमेना है वो रिलेटेड है अपने सरफेस टेंशन इस कंसेप्ट के बारे में सो बेसिकली सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच इज़ एट रेस्ट जब लिक्विड का जो सरफेस है लिक्विड जो है वो रेस्ट कंडीशन में होता है वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है सरफेस टेंशन टेंशन का डेफिनेशन एंड अदर उसके डायमेंशन केमूलाज वगैरह डिटेल में देखने से पहले हम उसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पहले देखेंगे ओके सो इन बुक सो ऑन पेज नंबर थर्टी थ्री दे आर गिवन सम पॉइंट्स कैन यू रिकॉल इसमें जो चार पॉइंट है वो पहले हम पढ़ेंगे

ग्रीस रेजर ब्लेड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जो अपना रेजर ब्लेड है रेजर ब्लेड जो रहता है उसको हमने क्या किया ग्रीस लगाया और उसको हमने क्या किया ऐसा वाटर के सरफेस पे डाल दिया ओके okay? तो वो क्या होगा फ्लोट होगा तो क्यों फ्लोट होगा उसका भी रीजन क्या है सरफेस टेंशन है वाई कैन वाटर स्पाइडर वॉक जो अभी हमने डिस्कस किया जो वाटर स्पाइडर वॉक है जो मीन्स जो स्पाइडर है वाटर पे चलने वाला जो स्पाइडर है वो वॉक करता है कंफर्टेबली ऑन द सरफेस ऑफ स्टील वाटर उसका रीजन क्या है सरफेस टेंशन वाई आर फ्री लिक्विड ड्रॉप एंड बबल्स अलवे स्पेरिकल इन शेप जो लिक्विड ड्रॉप्स है एंड बबल्स है वो स्पेरिकल क्यों रहते हैं तो उसका भी रीजन क्या है सरफेस टेंशन सो इन पेज नंबर थर्टी थ्री कैन यू रिकॉल के जो भी चार पॉइंट है उस सब का रीजन क्या बता सकते हैं सरफेस टेंशन ओके सो so, नाउ अभी हम जो देखने वाले हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं सो फर्स्ट डेफिनेशन इज इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटर मोलिकुलर फोर्स तो ये जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है वो क्या है अभी हम वो डिस्कस करेंगे सी अभी यहां पे एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है ओके लेट अस कंसीडर दिस मोलिक्यूल इज ए दिस मॉलिक्यूल इज बी ये जो दो मॉलिक्यूल है ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम क्या कहेंगे इंटर मोलिकुलर फोर्स मीन्स अभी आपको मालूम है जो फॉर एग्जाम्पल हियर एच टू ओ एंड हियर एच टू ओ सो बोथ दीज आर वाटर मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या रहेगा इंटर मोलिकुलर फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटर मोलिकुलर फोर्स जैसे कि अभी दो नेशन होंगे सो so, दो नेशन में जो होगा हम उसे क्या कहते हैं इंटरनेशन वैसे इंटर मॉलिक्यूल मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जो मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे हम क्या कहते हैं इंटर फोर्स सो हाउ यू कैन डिफाइन इंटर फोर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules the force of attraction between two molecules is called intermolecular force intermolecular force okay? so very very simple definition intermolecular force the force of attraction between two molecules is called intermolecular force लेकिन इसमें भी दो टाइप के फोर्स रहेंगे एक रहेगा कोहेसिव फोर्स एंड दूसरा रहेगा एडेसिव फोर्स सो so, पहला जो फोर्स रहेगा वो है कोहेसिव फोर्स ओके okay? एंड जो सेकंड है वो है एडेसिव फोर्स अभी जो कोहेसिव फोर्स है फॉर एग्जांपल अभी इधर एक मॉलिक्यूल है ये है ए मॉलिक्यूल और यहाँ पे है दूसरा बी मॉलिक्यूल अभी ये जो दो मॉ मौ, दोनों मॉलिक्यूल है वो सेम सब्सटेंस के हैं फॉर एग्जाम्पल लेट इस बोथ दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ वाटर जो ये दोनों मॉलिक्यूल है अभी ये हम कंसिडर रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल दिस इज एच टू ओ एंड दिस इज ऑल्सो एच टू ओ बोथ आर वाटर मॉलिक्यूल्स सो जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होंगे वहां का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स ओके so so how you can define cohesive force the force of attraction between two molecules of same substance let us consider both these molecules are of oil consider ekade oil ke molecule hai aur dono ye jo molecule hai Hg Hg mercury ke molecule hai तो yahan पे जो फोर्स होगा, वो क्या होगा? cohesive force okay so the force of attraction between two molecules of same substance is called cohesive force Cohesive force. The force of attraction, the force of attraction between two molecules of same substance. ज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ओके सो वेरी सिंपल डेफिनेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स और जो इसका जो सेकंड अभी मॉलिकुलर इंटर मोलिकुलर फोर्स में अभी जो सेकंड जो पॉइंट है जो नंबर बी का जो डेफिनेशन है वो है एडेसिव फोर्स एडेसिव

ये जो दो अलग अलग सब्सटेंस है यहाँ पे होगा वाटर का यहाँ पे होगा सॉलिड का और लेटेस्ट कंसीडर यहाँ पे होगा एक हद मर्क्यूरी और यहाँ पे होगा दूसरा कौन सा ग्लास वगैरह जो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम क्या कहेंगे एडेसिव फोर्स सो वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स So, we will see our next definition. So, our next definition is range of molecular force, range of molecular force, range of molecular force. रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स सी अभी ये जो मॉलिकूल रहते हैं यहाँ पे एक मॉलिकूल है और यहाँ पे एक मॉलिकूल है ये, इस दोनों मॉलिकूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम उसे क्या कहते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड इंटर मोलिकुलर फोर्स लेकिन ये जो इंटर मोलिकुलर फोर्स है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही क्या होता है एक्ट होता है ओके रेंज मीन्स सीमा मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस वहाँ तक ही वो एक्ट होगा उसके बाद जब मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा तब उन दोनों में से फोर्स रहेगा क्या नहीं रहेगा सो रेंज ऑफ मोलिकुलर फोर्स मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इंटर मोलिकुलर फोर्सेज आर इफेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा इतना डिस्टेंस वहाँ तक ये जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस है वो इफेक्टिव रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स सो अवर नेक्स्ट डेफिनेशन रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स द मैक्म डिस्टेंस अप टू विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इफेक्टिव इज कॉल्ड क्या कहेंगे हम उसे रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ओके रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इफेक्टिव ये जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस रहता है ये नॉर्मली रहता है टेन टू द पावर नाइन माइनस नाइन मीटर मीन्स वॉट वन नैनो मीटर टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर मीन्स क्या है वन नैनो मीटर तो यहाँ तक जो है ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस इफेक्टिव रहेगा उसे हम क्या कहेंगे रेंज ऑफ मॉलिकुलर फोर्स ओके सो दिस इज आवर अनादर डेफिनेशन दिज ऑल आर वेरी इजी डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड नाउ आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पियर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंफ्लुएंस ओके अभी हम क्या करेंगे यहां एक यहां पर एक मॉलिक्यूल मैंने दिखाया एन इमेजिनरी स्पीयर एक काल्पनिक जो स्पीयर मैंने निकाला एन इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉन एज गिवन मॉलिक्यूल एट द सेंटर जो भी मॉलिक्यूल मैंने लिया है वो वहां पे सेंटर में है सो एन इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉन एज गिवन मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड रेंज ऑफ मॉलिकुलर अट्रैक्शन कंसीडर आई एम शोइंग रेंज ऑफ मॉलिकुलर अट्रैक्शन एज आर सो दिस इज कॉल्ड एज स्पीयर ऑफ इंफ्लुएंस ओके सो वेरी इजी कंसेप्ट तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए कि जो स्पीयर ऑफ इंफ्लुएंस है वहां पे हम जब डिफाइन करेंगे एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन एज गिवन मॉलिक्यूल एट द सेंटर ये जो ए मॉलिक्यूल है वो हम सेंटर में दिखाएंगे एंड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एज रेडियस उसे हम क्या कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओके सो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक दैट एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन एज गिवन मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड रेंज ऑफ़ molecular अट्रैक्शन एज अ रेडियस इज कॉल्ड sphere ऑफ इन्फ्लुएंस उसका मतलब क्या है यहाँ तक यहाँ एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है तो यहाँ तक हमने जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है रेंज ऑफ molecular अट्रैक्शन और उसे मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया ओके यहाँ तक ही उसका प्रभाव होगा इन्फ्लुएंस का मतलब क्या रहता है प्रभाव तो sphere ऑफ इन्फ्लुएंस सो means एंड इमेजनरी स्पीयर ड्रॉन एज गिवन मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड रेंज ऑफ मॉलिकुलर अट्रैक्शन एज रेडियस तब हम उसे क्या कहेंगे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओके